हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं हूं वीर कुमार और आज आप लोगों को सिखाऊंगा 6 मजेदार चीजें जो काफी अच्छी है सुनने में और इजी हो सकती है अगर आपका तरीका सही है सीखने का। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं सिखाना और सीखना भी। तो सबसे पहले मैं प्ले करूंगा लो ई, ये सबसे ऊपर वाला स्ट्रिंग। तो 7th फ्रेट पे है, 5, 6, 7 पे मेरा फर्स्ट फिंगर है, ये प्ले कर रहा हूं। ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है, बस सुनने में अच्छा लगता है। जैसे कि हम कभी भी किसी को इंप्रेस करने के लिए या फिर गिटार अभी उठाया है और हम सिर्फ किसी को पता नहीं है हम प्ले करते हैं और सिर्फ हाथ में गिटार लेते ही एक अच्छा सा स्टार्ट देने के लिए, शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा अच्छा है। तो छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, आप लोगों को स्पीड का ध्यान देना पड़ेगा। स्पीड होगी तो ही अच्छा होगा। तो देख लो, 7th फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर मैं हैमर ऑन कर रहा हूं, 2nd फिंगर से 8th फ्रेट पे, फिर 5 to 7 3rd फिंगर से, फिर 3 to 5, फिर 2 to 3 और 2nd फिंगर। स्लो एक बार देख लो और ओपन, बस ई मेजर कोड ले सकते हो। अब जो दूसरा सिखाने जा रहा हूं मैं वो है ये, इसका भी वही है, अगर स्पीड में प्ले हुआ तो अच्छा लगेगा। तो कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपल सा है, बस स्पीड अच्छा है तो अच्छा लगता है। तो देख लो, 3rd फिंगर है, 3rd फ्रेट पे 1 2 3 हाई ई पे। तो सिर्फ आप देखो फिंगर्स, देखो मेरा ओपन, फिर बी स्ट्रिंग पे 3rd, फिर ओपन, फिर जी पे तो 3 2, दोनों हाथ देखो एक बार लास्ट टाइम, जैसे कि आपने देखा बार बार प्रैक्टिस करोगे और ऑल्टरनेट पिकिंग अच्छा होगा आपका। तो ऑल्टरनेट पिक करोगे तो डाउन अप, काफी प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पे, अगला सिखाऊंगा आप लोगों को स्ट्रमिंग, इसका फास्ट होगा। तो ई मेजर स्केल, ई मेजर कोर्ड पे देख लो मैं क्या सिखाता हूं। पहले तो ये सिखा देता हूँ। तो इसमें भी इजी है, ज्यादा आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ई मेजर कोर्ड्स आपको मालूम है, तो देख लो फर्स्ट फिंगर मेरा, 2nd 3rd, ऊपर से सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स प्ले करता हूँ, नीचे की स्ट्रिंग्स प्ले मत करना, सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स ऊपर से। फिर उसके बाद एफ मेजर लेता हूँ मैं,
आप क्लीन भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। फिर उसके बाद सेम यही पोजीशन रहेगा, ऐसे में थर्ड फ्रेट पे मेरा फर्स्ट फिंगर आ जाता है, सेम पोजीशन में जी में जाता है। ठीक है, तो जो ये बार यूज करते हैं वो ऐसे ही बार कोर्स। तो अब जो फ्लेवर है इसका, डाउन 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 अप डाउन, तो सिर्फ कुछ नहीं टाइमिंग है, डाउन 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 अप डाउन। लेकिन इसमें पोज नहीं लेता, मैं रुकता नहीं हूं कभी। और फिर दो दूसरी बार लेता हूं वो डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। तो ये पहले स्लो प्रैक्टिस करना, कैसे डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप। ऐसे डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप। तब आपका ऐसे हो जाएगा डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप, बोल कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहला था, सेकंड डाउन डाउन। ठीक है, तो ऐसे करके प्ले कर सकते हैं। और इसमें क्या है, कलाई का प्रयोग करना अपना रिस्ट का। तो मैं लाइट हाथ रखता हूं, आप थोड़ा हैवी रखते हो तो जल्दी थक जाते हो, होगा नहीं थोड़ा, तो इसको सॉफ्ट रखने का लाइट, मैं काफी वीडियोस में बताता हूँ अपना, इसको लाइट रखना हाथ ताकि, और अच्छे से प्रेस करना, जितना अच्छा दबाव स्ट्रिंग्स पे पड़ेगा, तारों पे पड़ेगा, उतना अच्छा आवाज इसका निकलेगा। तो ठीक है, तो अच्छे से प्रेस करना और लाइट हाथ रखना, हल्का हाथ रखने का कोशिश करना। Make sure, सबसे पहले स्लो प्रैक्टिस करें। अब अगला सिखाता हूं मैं हेलोइन धुन आपको। ये सब धुन तो पहले दिखा देता हूं, ये सिखाऊंगा। तो ये सब मैंने क्यों रखा है इस लेसन में, ये सारी चीजें, क्योंकि इनका अपना अलग मजा है। ये पूरी कंप्लीट नहीं है, पूरी तरह से नहीं है ये लेसन पर, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो फ्लेवर का काम या फिर मसाले का काम कर देती है थोड़ा, उसके लिए ये आप छोटी छोटी चीजों पे अगर ध्यान दोगे या प्रैक्टिस करोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी, और आपको प्ले करने में मजा आएगा, छोटी छोटी चीजें, तो इसलिए बताया है ये सब मैंने, तो देख लो। और हाँ, इसमें ट्रिकी पार्ट भी है, ट्रिकी पार्ट ये है, इसमें हमारे मस्तिष्क का, दिमाग का काफी बैलेंस करना पड़ता है हमें, तो बैलेंस करके और दिमाग लगा के लेफ्ट हैंड का राइट हैंड का और धुन चलते टिंग 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 कब फिंगर आता है, तो ये वो चीजें हैं जो दिखने में इजी लगेंगी आसानी से, कि आसानी से हाँ देखते मैं प्ले कर लूंगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे चीजों को, बारीकियों को पकड़ कर समझ कर। तो ये हिंट है इस लेसन के लिए, सारी धुनें प्ले करने के लिए। और एक हिंट और है, स्लो प्रैक्टिस करना सबसे पहले, चाहे दोनों शुरू में भागोगे तो कुछ नहीं होगा, पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर उसके बाद क्रॉल, घुटनों के बल चलना, फिर खड़ा होना, फिर चलना, फिर दौड़ना, ठीक है, उसके बाद आप उड़ भी सकते हो अगर सुपरमैन बन जाओ तो इसलिए पहले आप बैठने का और खड़े होने का प्रयास करें, ना कि सीधा चलने या दौड़ने लगे, तो इसलिए स्लो प्रैक्टिस करना। अब मैं बताता हूँ इसका, तो देखो मेरा थर्ड फिंगर है नाइन्थ फ्रेट पे ई, सबसे निचली स्ट्रिंग पे, और फिर फर्स्ट फिंगर है मेरा सेवन्थ फ्रेट पे बी स्ट्रिंग पे। तो मैं क्या करता हूँ, तो नाइन सेवन सेवन, तो ये है सिर्फ धुन,
इसमें मैं ज्यादा हेल्प नहीं करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हो मैं फिंगर्स हिला नहीं रहा हूं। तो अब आपका क्या ड्यूटी है, आप ये फिक्स है मेरा दोनों, और ये मैं बीच में ऐसे ऐसे करता हूं, सिर्फ ऐड करता हूं। तो आप राइट हैंड देखो मेरा, तो मैं यहां से डाउन स्ट्रोक करता हूं। ये भी एक सीक्रेट है इसमें कि ये जल्दी कैसे, तो सारा समय खा जाता है अगर मैं दोनों डाउन करूं, ठीक है। तो लेकिन मैं ये वाला डाउन करता हूं, शुरू जहां से हो रहा है, और फिर ये अप करता हूं, ये ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर, तो कोई ऑल्टरनेट, ठीक है। तो देखो ये इतना प्ले करना है बस, लेकिन इसमें कहीं रुकेंगे नहीं, लगातार बजाएंगे इस धुन को तो अच्छा साउंड करने लगेगा। देखो जितना स्पीड बना सके बढ़ा लेना इसका, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिर्फ मैं कहीं रुकता नहीं, इतना है, फिर ये पूरा, ये कहीं पे भी आगे शिफ्ट करके, यही सेम कहीं पे भी आप शिफ्ट करके, अब आते हैं अगले पे, पांचवे पे, स्टेन लाइफ। जैसे आप देख रहे होंगे यहीं पे मैं नाच रहा था, मेरी फिंगर्स नाच रही थी। तो इसका बस, इसका भी थोड़ा सा मजेदार पार्ट है, चलो तो सीखते हैं। तो फर्स्ट फिंगर है मेरा डी स्ट्रिंग पे, फर्स्ट फ्रेट पे, तो हैमर ऑन। अब फर्स्ट पार्ट्स में बताऊंगा ये, तभी पॉसिबल हो पाएगा। देखो फर्स्ट, सेकेंड, इसके बाद थर्ड, तो आप तीनों को मिक्स कर देंगे, फिर इसके बाद चौथा, फिर पांचवा, ठीक है। आप सारा क्या टेक्निक है इसमें, यह है कि मैं कब मुझे दबाना और कब छोड़ना है, तो साउंड जो बहता चला जाता है उसको रोकना जरूरी होता है, तभी दूसरी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो टक करके रोक देता हूं, तो पहला पार्ट, देख लेना थोड़ा सा अगर देख के समझ में आ जाता है तो, नहीं तो सिर्फ इतना ही करना। तो सीखेंगे हम ये वाला, ये सीखेंगे, कुछ नहीं है, इजी है। अब देख लो, सबसे नीचे वाला स्ट्रिंग पे प्ले कर रहा हूं मैं, तो 12th फ्रेट है, ये दो जो मार्क्स देख रहे हो पोजीशन मार्क्स, तो जिस पे दो होता है 12th फ्रेट होता है, तो 12th फ्रेट पे थर्ड फिंगर से मैं शुरू कर रहा हूं, 12 0 0 0, और ऑल्टरनेट डाउन अप अच्छा होगा, स्पीड अच्छा होगा तो अच्छा लगेगा ये, तो 12 0 0 0 सब पे ये चलेगा, 3 0 0 0 0 0, 0 मतलब ओपन, कुछ प्रेस नहीं करते हम। फिर उसके बाद थर्ड फिंगर ही जाएगा मेरा 7th फ्रेट पे, यही स्ट्रिंग रहेगा सिर्फ, फिर 7 0 0 0, तो
फिर सेकंड फिंगर जाएगा मेरा फिफ्थ पेरे फिफ्थ फ्रेट और फिर जीरो 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 और फिर फर्स्ट फिंगर जाएगा थ्री पे तो फिर सेकंड फिंगर ही जाएगा थ्री पे भी थ्री जीरो 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 फिर टू जीरो 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 तो देख लो फिर उसके बाद वापस जाएंगे हम टू थ्री फाइव सेवन ट्वेल्व ठीक है जैसा ऊपर गए थे वैसे नीचे उतर गए हैं आते हैं तो देखो स्लो प्रैक्टिस करना पहले फिर फास्ट हो जाएगा आपका तो एक पे ट्राई करना किसी भी स्ट्रिंग पर प्ले कर सकते हैं आप सेम ठीक है तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्ले कर सकते हैं तो चलो तो फिर अब लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं उम्मीद करता हूं जिसको नहीं आया है कोशिश करना प्रैक्टिस करना अभ्यास करना प्रयास करने वालों की हार नहीं होती तो कोशिश करते रहे लगे रहे प्ले करते रहे सीखते रहे और सब्सक्राइब करना ना भूले आगे आप लोगों के लिए ही लेसन आते हैं आते रहेंगे कोशिश यही रहती है कि जब भी समय मिलता है आप लोगों के सामने उपस्थित होने का कोशिश करता हूँ और चलो मिलते हैं एक धुन बताना इसके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के कि ये कौन सा धुन है चलो तो देखते हैं किन लोगों को पता है ये वाली धुन अभी ऐसे निकाल दी ठीक है तो कोशिश करूंगा यार जैसे भी समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए नए नए लेसन लाने का कोशिश करता हूँ और मिलते हैं अगले लेसन पे सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए और खुश रहो सुखी रहो स्वस्थ रहो